अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़रनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। मज़ेदार एक मीठा है, पिस्ताचियो प्रालीन पार्फे। ठीक है, अब पार्फे क्या होता है? इट्स लाइक एन आइसक्रीम, फ्रोजन डिज़र्ट ही बनेगा। और कल हम आपको इसका स्ट्रॉबेरी का सॉस इसके ऊपर डालेंगे, पिस्ते डालेंगे और आपको हम सर्व करेंगे। तो मैं यहाँ छोड़ के जाऊँगी ताकि फ्रीज़ हो जाए। ठीक है जी, और हम क्या बना रहे हैं? पनीर का मोल तो आपने देख लिया होगा, तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बन रहा है, कौन सा फ्लेवर का पनीर बन रहा है। पनीर नहीं बन रहा आज, ये सिर्फ लेके इसलिए आई हूँ ताकि आप लोगों को मैं किस तरह ये ड्रेन करूँगी ये सिखाऊँगी। ठीक है, इस तरह का डब्बा होता है, होल वाला, नीचे भी ऐसे खुल जाता है पूरा, इसमें भी होल्स होते हैं। और ये है टू पुट प्रेशर, दबा के इसमें से निकालना होता है। मलमल का कपड़ा भी यहाँ है। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने यहाँ एक लीटर दूध ले लिया है, ताज़ा वाला दूध, खुला दूध, ठीक है, नॉट द टेट्रा पैक। इसको आपको बॉईल करना है। अब हमें रिकोटा चीज़ बनानी है, तो इसके लिए हम चीज़ एपेटाइज़र एक बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सिंपल सा। इसके लिए दूध उबाल के आपने इसमें एक तिहाई टीस्पून नमक डालना है, दो चमचे भर के सिरका डालना है और 75 ग्राम सिर्फ क्रीम डालना है। ठीक है, ये जब फट जाएगा तो फिर हम इसको छान लेंगे, और जो बच जाएगा अब हमारे मलमल के कपड़े में, उसमें हम ये सारे अज्जा डालेंगे और मज़ेदार सा एक चीज़ बनाएंगे, रिकोटा चीज़ फ्लेवर विद ऑल दीज लवली स्पाइसेस, हर्ब्स एंड मसाला वगैरह। और फिर उसके बाद हम सैलड के पत्ते लेंगे, उसके अंदर रखेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे, या आप कोन की शक्ल में बना लीजिए सैलड के पत्ते, उसमें आप दो तीन स्कूप्स रख दीजिए इस चीज़ के। तो इस तरह हम ये बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पिस्तों के साथ काम करेंगे, क्योंकि हम पिस्तों का पाफे बना रहे हैं या आइसक्रीम बना रहे हैं। ठीक है, मैंने इसके छिलके नहीं उतारे हैं। पीस लेना है आपने। दोबारा पीसेंगे, बिकॉज कुछ पीसेस रह गए हैं बड़े। काफी सारे पिस्ते इसमें जाते हैं, अबाउट 70 ग्राम्स जितने। ठीक है, एक और बोल में निकाल दूं। आज हमारे पास है डीलक्स चॉपर इनेक्स की तरफ से। आप हमें क्या, मैं सवाल पूछूं आज, एनी आइडियाज गाइस, क्या सवाल पूछूं? अच्छा जी, स्ट्रॉबेरीज लेके आई हूं, तो स्ट्रॉबेरीज को मैंने बहुत दफा बताया है कि किस तरह हम उनको प्रिजर्व करते हैं, फ्रीज करते हैं। चलिए आप हमें ये बता दीजिएगा आज। ठीक है, ओके, नाउ दिस, इसका काम हो गया, ग्राइंडर का, इसको हटा लेते हैं और हम आ जाते हैं बीटिंग आर एग वाइट्स। चार अंडे लिए थे, सफेदियाँ और जर्दियों को सेपरेट कर दीजिएगा। इसको भी मैं फिलहाल यहाँ रख दूँ ताकि यू कैन ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। अच्छा, हमेशा हम सफेदियों को पहले इसलिए बीट करते हैं कि फिर एक दफ़ा हम जर्दियाँ और दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा कि फिर वो डर्टी हो जाएगा। सफ़ेदियाँ हमेशा क्लीन बोल में हो, क्लीन बीटर हो, साफ़ हो, गीला नहीं हो, चिकना नहीं हो। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छे से ग्रीन कलर नहीं, अगर आपको चाहिए तो मैं चंद कतरे इसमें ग्रीन पाफे को बनाने के लिए डालूंगी। अच्छा, यहाँ दूध गर्म हो चुका है, आपको कोई उबालना उबालना नहीं है, एक दफ़ा गर्म हो जाए तो इसमें आपने जो जो चीज़ें डालनी है ना वो हम अभी कर लेते हैं। मसलन नमक है, ठीक है, ये नमक चला गया। फिर इसमें हम डालेंगे क्रीम, हम पनीर नहीं बना रहे, हम रिकोटा टाइप चीज़ बना रहे हैं, उसमें थोड़ा सा क्रीमी होता है। और इसमें हम डालेंगे सिरका। अब इसको हम छोड़ देंगे, अब ये जब दूध और ये पानी वानी सब अलग हो जाएगा तब हम मलमल के कपड़े में डाल के उसको छान लेंगे। मैं ये मोल लेके आती हूँ बिकॉज मुझे ये सूट करता है, आप छन्नी में भी कर सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम।
ओके चलिए, अब सफ़ेदियाँ, चार अदद अंडे सेपरेट किए थे, जर्दियाँ यहाँ रखी हैं, सफ़ेदियाँ यहाँ हैं। सबसे पहले हमेशा मैं सफ़ेदियों को बीट कर देती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार सा लाइट सा डिज़र्ट बनता है, इसलिए कि इसमें हम व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। अब दो किस्म की क्रीम्स आती हैं, जो छोटे टेट्रा पैक्स वाली होती हैं, वो व्हिप नहीं होंगी, तो डोंट वरी टू मच अबाउट इट। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यूज़ करनी है व्हिपिंग वाली क्रीम, जिससे वो डबल हो जाता है, वो वाली क्रीम नहीं यूज़ करिएगा इसमें। अच्छा, अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, साथ साथ मैं क्रंच भी बनाना चाह रही हूँ। सो आई गॉट 100 ग्राम शुगर, यहाँ इसमें डाल दीजिए दानेदार चीनी एक स्टील के बोल में, और आप इसको रख दीजिए गोल्डन कलर की या कैरमलाइज सी हो जाए तब तक। बहुत ज़्यादा भी इसको हाई हीट पे नहीं करिएगा, जल जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ा गोल चम्मच लेती हूँ, उससे मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखें, कैन यू सी, ये ऑलरेडी सेपरेट होना शुरू हो गया है। सिरका, नमक, दूध और क्रीम, और ये आपका थोड़ी देर में रिकोटा चीज रेडी हो जाएगा। मेक श्योर कि नीचे लग नहीं जाए, ताज़ा दूध है ना, वो नीचे बाज वक्त लग जाता है, ब्राउन बिट्स से हो जाते हैं पैन में, तो फिर वो अच्छा नहीं है। ये देखें, कैन यू सी दिस, ये अलग हो गया है ऑलरेडी। थोड़ा और, दो मिनट और उसको फिर मैं छान लूँगी। मीनवाइल यहाँ चीनी हमारी कैरमलाइज होगी, स्टील के पैन में जल्दी से हो जाती है, फ्राइंग पैन में कर लें, छोटे सॉस पैन में कर लें। पिस्ते हम पीस चुके हैं, सफ़ेदियाँ अलग हैं, जर्दियाँ अलग हैं। चीनी के साथ जर्दियों को बीट करेंगे, उसमें हम डालेंगे पिस्ते और ये क्रंच और क्रीम, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे सब कुछ बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज़ ओनली ऑन मसाला टीवी। और अगर आपने जीतना है एनएक्स की तरफ से ये डिलक्स चॉपर, तो जल्दी से 881 पे आप मुझे बताएंगे कि हम स्ट्रॉबेरीज को कैसे प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, मसाला FD लिखिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं दिखा देना चाह रही हूँ, ये देखें, ये अलग हो गया है। अब इसको इस स्टेज पे मुझे छान लेना पड़ेगा। सो मैं ये कपड़ा लूँगी मलमल का, उसको एक इस मोल्ड को एक बोल में रखेंगे, उसके थ्रू छान लेंगे बस। ठीक है जी, जल्दी से ब्रेक लेके आप लोग वापस आइए। जी वेलकम बैक। देखें ये क्रंच जो है, ये मैंने यहाँ एक थाली या कोई ट्रे या कुछ भी ले लें, उसको थोड़ा सा ग्रीस कर दीजिएगा, और ये बस अब गर्म है, मुझे इसको ठंडा करना है, फिर मुझे इसको क्रश करना है। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट इन द फ्रिज। ठीक है, फिर इसको निकालेंगे, क्रश करेंगे, और क्रश करने के बाद पार्फे में डालेंगे। वो बनाने से पहले इसको मुझे ड्रेन आउट कर देना। देखें ये हो गया था ना, दूध था 1 लीटर, 2 चमचे भर के सिरका था सफ़ेद, 1/3 टीस्पून थोड़ा सा यानी कि नमक था, और उसके अलावा मैंने इसमें 75 ग्राम यानी 75 ग्राम्स डाला था क्रीम। अब इसको आपने पूरा छानना है, ये मलमल का कपड़ा है, और इसके थ्रू ये छान लेंगे। नीचे मैंने मोल्ड रखा हुआ है, बोल रखिएगा। अब छान लीजिए और इसको फिर कपड़े से निचोड़ सा ऐसे देंगे, ताकि पूरा एक्सेस जो पानी है वो निकल जाए। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो चीज़ बचेगी ना, उसमें ये चीज़ें मिक्स करेंगे, और सलाद के पत्तों के साथ इसको सर्व करेंगे, इसलिए कि ये एक एपेटाइज़र है। सो सैलड के साथ आप कर सकते हैं, सैलड के लीव्स के साथ, आइसबर्ग के साथ, किसी भी चीज़ के साथ। अभी बहुत गर्म है, थोड़ा सा बाकी रहता है, मैं वो भी डाल दूं ताकि मेरे लिए आसान हो। फिर अगर आपको लगे कि खटास सा इसमें है ज़्यादा, सिरके का स्मेल आ रही है या आपको खटास लग रहा है, तो आप इसको फिर धो सकते हैं साफ पानी से। ठीक है,
अब मैं उसको वहाँ ले जाके ड्रेन करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम लगता है बाज़ वक्त दूध और ये ड्रेन करने में। बहुत गर्म है, सो आई लेट इट गो लाइक दिस थोड़ी देर। ये देखा, पूरा पानी इसमें से निकलेगा अभी तो। बस अब इसको इधर ही छोड़ देते हैं, थोड़ी देर बाद आप इसके ऊपर, यस यू कैन पुट अ वेट, ये इसका लिड है, इसको हम प्रेस डाउन करेंगे ताकि जल्दी जल्दी इसमें से निकले पानी। सूरन तो आपके पास अगर यहाँ नल पे टांगना है वो भी आप कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से निकल जाए, जो बच जाएगा उसमें हम ये सारी चीज़ें बाद में मिक्स करेंगे। सो लेट्स कम टू आवर पाफे फर्स्ट। आपको मैंने बताया था पेशावर से गुलाली की कॉल है जी। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम ज़ैनक बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए जी। पिंक सूट में बहुत प्यारी लग रही है आज। थैंक यू, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी और फरमाइश भी करनी है। जी जरूर। क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो, दो कप पानी लें, इसमें उसमें फिर चार टेबल स्पून उसमें एप्पल साइडर विनेगर डालें, फिर उसको स्ट्रॉबेरी को ना उसमें एक मिनट के लिए भिगोए, फिर उसको खुश कर ले। ये टोटके ना हमें वासिम आखुन भाई ने बताया था। अच्छा, लेकिन मैं इस तरह नहीं करती, मैं तो सिर्फ चीनी और स्ट्रॉबेरीज के साथ करती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर में मैंने ना कभी सुना है ना मैं कभी कर चुकी हूँ। नहीं, ये हमें वासिम आखुन भाई ने बताया था जी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सीखा ना सुना है। एप्पल साइडर विनेगर और पानी के साथ आप स्ट्रॉबेरीज को करोगे तो वो तो अजीब सा उसका फ्लेवर हो जाएगा। ये वासिम भाई ने बताया था ना। आपने किया था जी? अच्छा, तो चार पांच दिन के लिए वो बहुत अच्छे रहते हैं। ये एक साल, मेरी बहन, ये एक साल रहते हैं। सिर्फ तो चीनी लें, सिर्फ स्ट्रॉबेरीज लें और उसको एक डब्बा लें, उसमें भर दें, फ्रिज में रखेंगे तो इस तरह, फ्रीजर में, तो इस तरह अंदर सिरप बन जाएगा। दैट्स इट। चलिए, शुक्रिया बहुत, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, अल्लाह हाफिज। ओके, ये मैंने पहली दफ़ा सुना, कभी मैंने सुना नहीं था ना मुझे ये कॉन्सेप्ट है। चाह वो तो चले, ये फिर इसको बीट कर लेते हैं सफ़ेदियों को। ये जर्दियाँ हैं, ठीक है, इसमें चीनी जाएगी और इसमें ये पिस्ते जाएंगे। क्रंच है वो ठंडा होगा तो हम उसको करेंगे, क्रंच को क्या कहते हैं, तोड़ देंगे, उसको पीस लेंगे और फिर हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रॉबेरीज हैं उसको मैं ब्लेंड करके रख दूंगी। थोड़ा सा आप उसमें कॉर्नफ्लावर डालिए, उसको गाढ़ा कर लीजिए और फिर कल मैं आप लोगों को इसको दिखाऊंगी। जब ये पार्फे फ्रीज हो जाएगा तो निकालेंगे, उसके टुकड़े बनाएंगे और उसके ऊपर ये स्ट्रॉबेरी का सॉस जाएगा। रेसिपी मैंने रास्बेरीज लिखा है, रास्बेरीज हो, रास्बेरीज यूज़ करें। स्ट्रॉबेरीज तो हम सबके घरों में फ्रीज किए हुए होते ही हैं, नहीं हो तो कोई बात नहीं, किसी भी फ्रूट के साथ आप कर सकते हैं। फ्रूट का सॉस नहीं बनाना है, नहीं बनाइए, पिस्ता का पार्फे या आइसक्रीम इसी तरह सर्व करिए, ठीक है? ओके, अब इसमें पिस्ते हैं, इसमें क्रीम जाएगी, इसमें अंडे हैं, इसमें कोई जेलेटिन वगैरह नहीं है, लेकिन क्रीम से ही ये सेट होगा। अब मैं सफ़ेदियों को अच्छी तरह बीट कर देती हूँ। ठीक है, जब आप बीटर उठाएंगे तो इस तरह होना चाहिए। मैं जब भी बीट करती हूँ सफ़ेदियों को, इतना नहीं करती कि वो ड्राई आउट हो जाएं, ग्लॉसी यानी शाइनी उनको नज़र आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, अब इसको रखते हैं एक तरफ। अब हम लेते हैं एक और बोल, थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं, बिकॉज यू नो आई डोंट लाइक कि ज़रा भी कुछ भी डर्टी लगे हमारे काउंटर्स पे। सो कुछ भी उड़े उड़े, इस तरह साफ़ सफाई पहले ही साथ साथ, क्लीन एज यू गो कहते हैं ना। अब जर्दियाँ, चार अदद जर्दियां हैं ये, ये
इसमें आप पिसी हुई चीनी डालेंगे, पहले जर्दियों को मैं बीट कर लूँ, वेनिला एसेंस जाएगा, हल्का सा हरा रंग डालेंगे, इतनी बीट करनी है कि इसका थोड़ा सा कलर पेल हो जाए, ठीक है। किसी भी चीनी जाएगी इसमें, अभी मुझे याद आया तो आप लोगों को बताऊं कि कल हमारा स्पेशल शो होगा, ठीक है, वो है कल है 31st अक्टूबर, दैट वाज द डे व्हेन आई स्टार्टेड फूड डायरीज मेनी इयर्स अगो। किसी को पता नहीं याद है कितने साल पहले मैं आई थी मसाला पे। खैर, इससे पहले मैंने चॉकोहॉलिक्स का शो किया था, चॉकोहॉलिक्स सीज़न 2 आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। सुबह में भी रिपीट होता है, शाम में 4:30 बजे होता है शो, देखिएगा सीखिएगा। एक और डिफरेंस ही जारनक थी उस वक्त, 5-6 साल पुरानी जारनक से सीखिएगा, ठीक है। वो शो भी हम रिपीट कर रहे हैं जो मैंने चॉकोहॉलिक सीज़न 1 किया था, उसके बाद जब मैंने फूड डायरीज शुरू किया था वो 31st अक्टूबर था। सो टुमारो इज़ आर एनिवर्सरी और आई थिंक कुछ स्पेशल प्लान किया है यहाँ जो हमारी टीम है, मुझसे सब छुपा रहे हैं, सरप्राइज रखा है, मुझे खुद भी नहीं पता कल क्या होने वाला है। बस मुझे इतना पता है कि मुझे तैयार श्यार होके आना है और मुझे खाने वाने बनाने हैं जो तो मैं रोज़ ही करती हूँ। पता नहीं और क्या है, अब सब हंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कल आप लोग भी ज़रूर शो देखिएगा, 1 से 2 हम लाइव होंगे, रात में 10:30 से 11:30 हमारा शो रिपीट होता है। पिस्ताचियो एसेंस आपको मार्केट में मिल जाता है, लेकिन चूंकि सबके पास नहीं होगा तो फिर मैंने ये वेनिला एसेंस ही डालना है, ठीक है। वेनिला एसेंस चंद कतरे आप डाल दीजिएगा, उसमें हम बहुत थोड़ा सा हरा रंग, अच्छा चलें हरा रंग मैं डालूंगी व्हेन माय क्रीम इज़ हियर। सो इसमें अब मैं डाल दूंगी पिस्ते जो हमने पिसे थे, ठीक है, मैंने छिलको समेत आज पीस लिए थे, कोई मसला नहीं है। और क्या बाकी रहता है, सफ़ेदियाँ और क्रीम। अब ऐसे करते हैं, हम ब्रेक पे चलते हैं कि है कि नहीं, अभी ब्रेक का टाइम है ना, हाँ चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं। आपने ब्रेक में क्या करना है, अगर आपको जीतना है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, तो बहुत सारे एसएमएस कर देंगे आप 8881 पे, यानी मैसेज करेंगे फ़ोन से, मुझे नहीं लिखिएगा मेरे पेज पे या मेरे पर्सनल आईडी पे या फूड डायरीज़ के पेज पे, आपने 8881 पे एसएमएस करना है और ये बताइए आप हमें कि स्ट्रॉबेरीज़ को हम किस तरह प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। विल टेक अ ब्रेक जी, वेलकम बैक, आप देख रहे हैं फूड डायरीज़ और मैं हूँ जारनक सिद्धवा और मैं बना रही हूँ आज पिस्ताचियो प्रालीन पार्फे, ठीक है। नाम बड़ा टंग ट्विस्टर लग रहा है लेकिन बहुत ही मज़ेदार सा पिस्ते का एक आइसक्रीम है, पार्फे बहुत लाइट होता है और इसीलिए मैंने यहाँ सफ़ेदियों को 4 अदद सफ़ेदियों को इतना खूब अच्छी तरह बीट कर दिया था, जर्दियों को अलग बीट किया था चीनी के साथ, वेनिला एसेंस डाला था, इसमें हम पिसे हुए पिस्ते डाले हैं और अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उसको मुझे पकाना है, ठीक है। सवाल भी हमने आज स्ट्रॉबेरीज़ से रिलेटेड ही रखा हुआ है, आपको बताना है मुझे कि जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनको हम कैसे प्रिजर्व करते हैं। मसाला एफडी लिखिएगा अपना नाम, शहर का नाम, एनआईसी कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा। एनएक्स की तरफ से आप डिलक्स चॉपर जीत सकते हैं अपने किचन के लिए। ओके, नाउ मैंने किस तरह ये बनाया था, देखें ये पिस्ते जो हैं छिलके समेत मैंने पीस लिए थे, ग्राइंड होने चाहिए, ठीक है, मुंह में पिस्ता नहीं आए। 4 अदद जर्दियों को बीट किया, उसमें मैंने चीनी डाल दी पिसी हुई, वेनिला एसेंस डाला, हरा रंग मैं अभी डालूंगी और मैंने सफ़ेदियों को अलग से बीट किया है। जो चीनी के साथ मैंने क्रंच बनाया है वो फ्रिज में है, उसको हम देख लेते हैं, अगर सेट हुआ हो तो हम उसको किसी भी ग्रीस की हुई थाल में या प्लेट में रख दीजिएगा, ये हो गया है सेट, ठीक है। इसको हम
अभी फ्रिज में ही फौरन रख देते हैं, लेकिन इसको मुझे डालना है पूरा क्रश करके इसके अंदर। तो जब आप खाएंगे तो आपको इसमें लाइटनेस तो आएगी ही क्रीम और अंडे की सफ़ेदी की वजह से, लेकिन क्रंच आएगा ये प्रालीन का यानी क्रंच का। और पिस्ते हैं, बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको आप लोफ टिन में भी बना सकते हैं ताकि आप स्लाइसिस काट सकें। मैं आज इस पायरेक्स डिश में दिखाइएगा उसको बनाती हूँ पायरेक्स डिश के अंदर, ताकि वो ऐसे करके हम क्यूब्स काट सकें, और कल जब मैं ये निकालूंगी फ्रीज़र में से तब मैं इस सॉस के साथ इसको सर्व करूंगी। इसलिए मैं अभी साथ साथ सॉस भी बनाए जा रही हूँ। इसको मैं अभी वापस फ्रिज में रख देती हूँ। आप इसको हमाम दस्ते के साथ क्रश कर दें, फूड प्रोसेसर में नहीं डालिएगा, ब्लेड्स ख़राब हो जाती हैं। आप इसको चॉपिंग बोर्ड पे रख के रोलिंग पिन के साथ कर दीजिए, यानी बेलन के साथ। ठीक है जनाब, अब हम क्या करेंगे? अच्छा, अब हम, हाँ वो भी तो दिखाऊं ना, यहाँ आइए, ये दिखाते हैं आपको। देखें कितना सारा पानी इसमें से निकलता ही जा रहा है। ठीक है, पानी निकलता ही जा रहा है, बिकॉज़ ये काफ़ी सारा निकल जाता है। ये ऐसे दबाते आप जाएंगे ना तो ये पूरा पानी निकलता जाएगा। यू वॉन्ट अ सॉफ्ट चीज़, पूरा पानी नहीं निकला हुआ, वो सूखा नहीं हो जाए, लेकिन यू वॉन्ट कि अभी फ़िलहाल पानी निकल जाए। मैं एक चम्मच से उठा के दिखाऊँ, बिकॉज इट्स वेरी हॉट टू पिक अप राइट नाउ। ये देखें, ये चीज़ आपका रेडी है। अब ये पनीर नहीं है, ये इसी तरह का, इस कंसिस्टेंसी का चीज़ है, ये रिकोटा चीज़ है। ये इतना सा टब 1000 रुपये का मिलता है। अब आप सोचें, मैंने आपको घर में बनाना सिखा दिया है। प्लीज़ ट्राई करिएगा ज़रूर और बनाइएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी होती हैं, मसलन चीज़ केक हो या कोई ऐसे एपिटाइज़र्स हो, जो आप रिकोटा चीज़ से बना सकते हैं। क्रीम चीज़ नहीं यूज़ करें, दूध उबालें और डालें ये 2-3 चीज़ें और बनाएं। है ना आसान? आमना है पेशावर से, अब उनसे करते हैं बात। हेलो जी, अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? शुक्र है, आप कैसी हैं? माय स्वीट, माय क्वीन, माय शहजादी। अरे भाई, शहजादी नहीं बनाइए ना, वो असल शहजादी नाराज हो जाएगी। क्यों नहीं, अच्छा ठीक है, थैंक यू। आप स्वीट है ना, चीजें बना बना के इतनी स्वीट हो गई हो, यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छी लगती है आप। वैसे तो मुझे करेले भी पसंद है। नहीं ना, करेले तो अलग बात है ना, ये तो मीठी चीजें बनाती है आप, तो स्वीट हो जाती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्यार जी, का जी। और जी, आपके सवाल के जवाब मैं दूंगी। आपने पूछे तो देखें, उसका तो 2 तरीके 3 तरीके बनते हैं। एक तरीका उसका ये है कि जब उसको काट लेना, काट के उसके जो सर से जो वो पीछे होते हैं, लीफ होते हैं, पत्ते छोटे वो हटा दे, और वो आप काट के 4 हिस्सों में उसके ऊपर चीनी छिड़क दे, और उसको आप फ्रीज कर दे। जब फ्रीज हो जाए, सख्त हो जाए, उसको निकाल के ट्रे में रखे ना, ट्रे में फ्रीज हो जाए तो उसको निकाल के फिर छोटे छोटे छापर ले लें, उसमें आप डाल दे। दूसरे उसका तरीका, और फिर उसको फ्रीज कर दे, जब जरूरत हो निकाल दे, इस्तेमाल करें ना। दूसरा तरीका इसका ये है कि उसको आप काट के उसको आप चूल्हे पे रख दे, और पानी इतना थोड़ा सा डाले बस, जो खुश हो जाए उसको उसमें चम्मच हिलाए, आगे पीछे घुमा ले, पानी खुश हो जाए, और उसको भी निकाल के आप उसको भी फ्रीज कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि उसका जैम भी हम बना सकते हैं, और जैम बना के भी हम रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू जी। हम लिख लिया सारा, दिमाग में सारा लिख लिया यहाँ। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके, मैं तो ऐसे ही मजाक करती रहती हूँ अपने कॉलर्स के साथ। इसको हम बीट करना अब शुरू करते हैं। अब इसमें हम क्रीम डालना शुरू करेंगे और पूरी सफ़ेदियाँ जाएंगी। सो क्रीम, बीट करके रखी हुई है, विपिंग क्रीम है ये। ठीक है जनाब, इट्स अ वेरी नाइस डिज़र्ट, ट्राई करिएगा। कप्स में भी आप बना सकते हैं, लोफ टिन में बना सकते हैं, किसी भी चीज़ में। पहले पूरी क्रीम डालेंगे, फिर हम रंग डालेंगे, फिर हम सफ़ेदियाँ डालेंगे। थोड़ा सा क्रीम बचाऊंगी क्योंकि कल हम डेकोरेट करेंगे इसको क्रीम के साथ। कल की रेसिपीज में मुझे याद नहीं आ रहा, कुलचा बना रही हूँ और भी कुछ बना रही हूँ, पता नहीं क्या बना रही हूँ। हमने बहुत सालों से एनिवर्सरी नहीं मनाई। पिछले साल हम लोग शायद एक्सपो के लिए बहुत बिजी थे, उससे पहले हम लोग कुछ NMS पे चले गए थे लाहौर या ऐसे कुछ था, तो मनाई ही नहीं है। मैंने कहा भाई इस साल तो हम मनाएंगे ही। ठीक है, आप भी देखिएगा हमारा शो। बस अब मैं ये रखूँगी क्रीम फॉर माय पाइपिंग टुमारो, और इसको मैं लेती हूँ और सफ़ेदी डाल देती हूँ।
अब मैं हरा रंग डालूंगी और इसको मिक्स करेंगे, देखेंगे. वी नीड विल ऐड मोर. कलर्स जब डालें ना, हमेशा पहले थोड़ा डालें. ज़्यादा डाल देंगे फिर क्या करेंगे आप. अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज़ अपने पानी में. अच्छा, रेसिपी में मैंने लिखा है लेमन जूस, चीनी, पानी और स्ट्रॉबेरीज़. चूँकि मैंने फ्रीज ही उसी तरह किया था कि लेमन जूस, चीनी और स्ट्रॉबेरीज़ और इसका अपना सिरप बन जाता है फ्रीज़र में पड़ा पड़ा, तो मैं इसको बॉयल कर रही हूँ. बॉयल करेंगे करेंगे इतना कि ये थोड़ा थिक हो जाए, फिर इसको हम ब्लेंड कर देंगे. ब्लेंड करेंगे फिर इसको छान लेंगे ताकि बीज ना आए सॉस के अंदर, ठीक है. और उसके बाद फिर हम इसको कॉर्नफ्लावर के साथ थोड़ा सा थिकन करेंगे, किसी पाइपिंग बैग में भरेंगे और ऐसे ड्रिजल कर देंगे. अब ये हरा सा प्यारा सा रंग हुआ है, थोड़ा सा, जस्ट अबाउट अ लिटिल ड्रॉप, पुट अ लिटिल ड्रॉप. लाइट सा हमारा मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी. कितना आसान था. अब एक चीज़ रह गई है जो कि है क्रंच. गरम गरम क्रंच मैं नहीं डालूंगी, इसको रखूंगी ऐसे ही. क्रंच निकालेंगे, उसको हम बेलन से ऐसे तोड़ देंगे हमाम दस्ते से और फिर उसके अंदर पूरा पॉ करेंगे, ठीक है. ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं. कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज़. जी वेलकम बैक. और अब हम क्या करेंगे, जब तक क्रंच को हम तोड़ रहे हैं तब तक हम इस रेसिपी पे आ जाते हैं, द चीज़ एपेटाइजर्स. मैंने क्या किया था, एक लीटर दूध लिया था, ठीक है. आप सोचिए एक लीटर दूध से इतना बन जाता है. उसमें मैंने एक तिहाई टीस्पून जितना नमक डाला था. उसी वक्त मैंने उसके अंदर दो चमचे भर के सफ़ेद सिरका डाला था और मैंने उसमें 75 ग्राम यानी 75 ग्राम टेट्रापैक वाली छोटे वाले पैक की क्रीम डाली थी, ठीक है जी. पूरा नहीं डाल दीजिएगा क्रीम. फिर क्या किया था, उसको फटने के लिए छोड़ दिया था, दो तीन मिनट में वो हो गया. फिर आपने एक मलमल का गीला कपड़ा किया, उसमें आपने बोल उसके एक पनीर के मोल में उस मलमल का कपड़ा रखा और नीचे एक बड़ा बोल रख दीजिएगा टू कैच ऑल द वाटर. और फिर जब वो पूरा स्ट्रेन हो जाए तो देखें ये बच जाता है. अब इसमें हमने चीज़ें डालनी हैं, बहुत ही आसान. ये देखें, अदरक चॉप की हुई, बहुत ही मज़ेदार एक टेस्ट आना चाहिए तो काफ़ी सारी अदरक, एक दो टेबल स्पून, ठीक है. फिर इसमें हम सफ़ेद मिर्च डालेंगे, सफ़ेद दक्कनी मिर्च जो होती है उसको पीस के आप पाउडर फॉर्म में डालिएगा. कुछ लोगों को नहीं पसंद तो कुटी हुई काली मिर्चें डालिएगा. थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, बिकॉज याद रखिएगा बहुत सारा नमक नहीं डालिएगा. नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है, मगर वो पानी में निकल जाता है, बट स्टिल. फिर आप इसमें डालेंगे हैलपिनोज, ये बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है. नहीं हो तो कुटी हुई लाल मिर्चें डालें, चॉप करके हरी मिर्चें डालें, हरा प्याज डालें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ऐड. हैलपिनोज को चॉप कर दिया था, ठीक है, सिरके वाली जो मिर्चें वो ओके. और हरा धनिया, बस डन. ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है. ये देखें, ये आपका फ्लेवर्ड रिकोटा हो गया, हर्बी रिकोटा हो गया. आप देखें ये टब्स में जो मिलता है ना, इतना महंगा मिलता है, आप प्लीज़ घर में बनाइए. अब हमें क्या करना है, हम लेंगे एक स्कूप, आइसक्रीम स्कूप, और इससे हम ऐसे करके स्कूप करेंगे और सैलड के पत्तों के ऊपर रख के या कोन बना के उसके बीच में डाल के सर्व करेंगे, है ना मज़ेदार. थैंक यू शर्जील ने इतना अच्छा ये क्रंच तोड़ दिया है. अच्छा इब्रार ने तोड़ा है, सॉरी सॉरी गलती हो गई, मिक्सअप हो जाती हूँ ना, किसने क्या किया है. फिर लोग कहते हैं हमारा गलत नाम नहीं लो. अच्छा ओके ओके, गलत नाम नहीं लिया, चले ये मैं डाल देती हूँ इसके अंदर ओके. और इसको मिक्स कर देती हूँ. एज सून एज आई सेड शर्जील, वहाँ से मुझे ऐसे दिख रहा है, कहा ओके ओके सॉरी सॉरी. चले ये हो गया, हम इसको मिक्स करके देखें ये लाइट कितना है. ये देखा आपने ये कितना लाइट है. ये आप ट्राई करिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा. आइसक्रीम वीक से मैं निकल ही नहीं पा रही, मुझे खुद ही इतने पसंद है ना डिज़र्ट्स. अब ये हम इसको किसी भी डिश में आप निकालते जाइए. उप्स, ये बहुत भारी हो जाता है ना, ऐसे करके कर लेते हैं एक दफ़ा में ही. क्रंच है, पिस्ते हैं, अंडे हैं, उफ इतना यमी डिज़र्ट बनता है ये. इसको ऐसे ही मैं छोड़ के जाऊँगी और कल करेंगे, ठीक है. प्लीज़ मुझे ये कल याद दिलाइएगा आप लोग, कल तो फिर मैं भूल नहीं जाऊँ. एनिवर्सरी के लिए आई एम सो एक्साइटेड. और
और मज़ीद ग्रीन करना है तो कर सकते हैं, पर अच्छा सा सटल सा कलर हो ना तो ही अच्छा लगता है। इस पे वैसे ही रंग जाएगा ना जब हम डालेंगे इसके ऊपर हमारा ये क्रंच, क्रंच नहीं हमारा ये ये क्या है जन, क्या है ये, स्ट्रॉबेरीज, स्ट्रॉबेरी सॉस क्या हो गया मुझे, ये देखें ये बहुत थोड़ा सा पानी में घोलेंगे इसको। ठीक है और इसको ज़रा एक मिनट और पका लेते हैं। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो बंद कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे। निकालूंगी, एक बोल में रख के जाऊंगी, फिर ऊपर से हम इसको पाइपिंग बैग में डाल के ड्रिजल कर देंगे। ठीक है इसको साफ कर लेते हैं साइड्स को। अभी इसको हमें सेट करना है, बहुत लाइट डिजर्ट बनता है। ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। पिस्ताशियो प्रोलेन पार्फे अज्जा, पिसे चीनी 160 ग्राम, क्रश पिस्ते 70 ग्राम, अंडे की जर्दियाँ 4 अदद, पिसे चीनी 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 450 ग्राम, अंडे की सफेदियाँ 4 अदद, पानी 100 मिलीलीटर, चीनी 100 ग्राम, रिसबेरीज 200 ग्राम, लीमू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब, पैन में 160 ग्राम पिसे चीनी शामिल करके पिघला लें, फिर इसमें पिस्ते शामिल करके मिक्स करें। अब मिक्सचर को ट्रे में डालकर फैलाएँ और 20 मिनट छोड़ दें। इसे जिप लॉक बैग में डालकर बेलन से कूट लें। उसके बाद अंडे की जर्दियों को बीट करके इसमें पिसी चीनी मिक्स करें, फिर वनीला एसेंस मिलाकर मिक्स करें और एक तरफ रख दें। अब अलग बोल में व्हिप्ड क्रीम मिक्स करके रख लें। उसके बाद अंडे की सफेदियों को बीट करके इसमें व्हिप्ड क्रीम, अंडे की जर्दियों का मिक्सचर, पिस्ते और चीनी का मिक्सचर मिक्स कर दें। अब इसे ट्रे में डालकर फैलाएं और 6 से 8 घंटे फ्रीजर में रख दें। फिर पैन में पानी और चीनी डालकर उबालें, फिर इसमें रिसबेरीज और लीमू का रस मिक्स करके उबाल लें, फिर उतार के ठंडा कर लें। फ्रीजर से पार्फे को निकालकर तैयार रिसबेरीज डालें, ऊपर पिस्ते डालकर सर्व करें। चीज एपिटाइजर्स अज्जा, दूध 1 लीटर, क्रीम 75 ग्राम, नमक 1/3 चाय का चमचा, सिरका 2 खाने के चमचे, चॉप्ड अदरक 1 चाय का चमचा, चॉप्ड जलापेनोस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरा धनिया 2 खाने के चमचे, सफेद मिर्च 1/2 चाय का चमचा, नमक 1/2 चाय का चमचा, सलाद के पत्ते सर्व के लिए। तरकीब, पहले दूध, क्रीम और नमक को पकाएं, फिर इसमें थोड़ा थोड़ा सिरका मिलाते सिरका मिलाते जाएं। जब मिक्सचर फट जाए तो कर्ट को मलमल के कपड़े में छान लें, रिकोटा चीज़ निकल आए। अब चीज़ को बोल में डालकर इसमें चॉप्ड अदरक, चॉप्ड जलापेनोस, चॉप्ड हरा धनिया, सफ़ेद मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें, फिर ठंडा करके इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएं। आखिर में सलाद के पत्ते की कोन बना लें और हर कोन में 2 बॉल्स रखकर सर्व करें। पिस्ताशियो प्रोलेन पार्फे अज्जा, पिसे चीनी 160 ग्राम, क्रश पिस्ते 70 ग्राम, अंडे की जर्दियाँ 4 अदद, पिसे चीनी 100 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, व्हिप्ड क्रीम 450 ग्राम, अंडे की सफेदियाँ 4 अदद, पानी 100 मिलीलीटर, चीनी 100 ग्राम, रिसबेरीज 200 ग्राम, लीमू का रस 1 खाने का चमचा। जी
जी वेलकम बैक। देखें ये स्ट्रॉबेरी सॉस है जो मैंने पकाया था, थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर डाला था, बहुत सारा नहीं है, थोड़ा पतला होना चाहिए, हमें ड्रिजल करना होगा। और जब ये सेट हो जाएगा, ठंडा है ये और ये गर्म है, अभी नहीं डाल सकती हूँ, ये जब सेट हो जाएगा तो कल आपको दिखाएंगे। अभी इसको मैं क्लिंग लगा के फ्रिज में छोड़ दूंगी। इसको हम पाइपिंग बैग में या किसी चीज़ में ड्रिजल करने के लिए ऊपर से ड्रिजल करेंगे, थोड़ी सी क्रंच डालेंगे, पाइपिंग बैग में क्रीम डाल के वो पाइप कर देंगे, इस तरह हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो इसीलिए मैं अभी नहीं इसको डेकोरेट करना चाहती, इसको सेट होने दीजिए। मीनवाइल ये दिखाइएगा प्लीज़, ये कॉन्सेप्ट जो है ना चीज़ एपेटाइज़र का, देखें ये आपने सलाद का पत्ता लिया, उसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया और नीचे आपने ये टूथपिक लगा दी बस, और एक अदद स्कूप से आइसक्रीम स्कूप से ऐसे वो चीज़ रख दिया, समझ आ गया। ये आपके सैलड के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये चीज़ बहुत हेल्दी है, घर में आप बनाएं खाएं, इसमें आप कोई भी हर्ब्स डालें। अभी सोया की भाजी कितनी अच्छी आती है, यानी डिल, उसको चॉप करके डाल दीजिए, सिर्फ लहसुन क्रश करके रिकोटा में डाल दीजिए। तो ये हर्ब चीज़ आप बनाइए, सीखिए, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ मैं बनाती हूँ घर में। ये एक और चीज़ आपको बनाना सिखा दिया अदर देन पनीर कॉटेज चीज़ जो है ही मेरा फेमस। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो, फॉर मैसेजिंग, फॉर राइटिंग, फॉर फोनिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का और इतने सारे मैसेजेस करने का। आज कौन जीता है इनिक्स की तरफ से डिलक्स चॉपर? इरम कहाँ से? रहीम यार खान से, बहुत मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट पहुँचा दी जाएगी। अब मेरे शो के बाद जो लाइव शो होगा 2:30 बजे, वो रिदा का होगा, तड़का दाल और आलू की खीर और पालक पनीर दाल। पालक पनीर दाल, अच्छा ओके, पालक पनीर दाल मैं भी देखूंगी किस तरह बनाएगी रिदा आज, आप भी देखिएगा सीखिएगा। सारे हमारे शोज़ फॉलो करते रहिए, सारे शेफ्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अलग अलग चीज़ें आपको सिखाते हैं, अलग अलग क्विजींस आप सीखिए, पूरा दिन भी आप देखेंगे बैठ के तो बहुत कुछ सीख सकेंगे। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।